नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से, देखिए आयुष्मान कार्ड अगर आपने ऑनलाइन कराया है, आवेदन कराया है, तो उसकी स्थिति आप कैसे जान सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से आप राशन कार्ड की पर्ची निकाल सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं, तो उनके लिंक आपको एंड बटन में या आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाएंगे गूगल के सर्च बार में, यहाँ पर लिखेंगे fs.up.gov.in आप करके लिखेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तो नहीं आएगा, तो आपको FSC देखिए आ चुका है up.gov.in होम उत्तर प्रदेश रसद खाद विभाग की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने डैशबोर्ड इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। अब नीचे आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड आवेदन की स्थिति, तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। राशन कार्ड आवेदन की स्थिति आपको चेक करनी है कि आपका राशन कार्ड कहाँ पर पहुँचा है या कहाँ अभी लंबित है या अभी पास हुआ, वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर आ चुके हैं राशन कार्ड आवेदन की स्थिति जानने के लिए। यहाँ पर आपको देखिए संदर्भ आईडी या राशन कार्ड आईडी डालनी है, तो यहाँ पर संदर्भ आईडी या राशन कार्ड आईडी यहाँ पर आप एंटर करेंगे और नीचे कैप्चा दिया हुआ कैप्चा फिल करेंगे और आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे। जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया है उस पर OTP चला जाएगा और वो OTP आपको फिल करना है। देखिए आपके सामने पॉपअप विंडो आ जाती है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपके सामने OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। कुछ ही देर में आपके सामने देखिए इस प्रकार से OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको OTP एंटर कर देना है और OTP वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर OTP वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। अगर सर्वर बिजी का ऑप्शन आता है तो फिर से आपको एक बार ट्राई कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। जिस भी कैंडिडेट का राशन कार्ड है अप्लाई किया है उसकी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर आप दे सकते हैं ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो स्टेटस आपको दिखाई देगा और जितने भी नाम इत्यादि हैं वो सब आपको दिखाई देने वाले हैं। अब आपका कागज़ कहाँ पर कितनी तारीख को पास हुआ है या अभी नहीं हुआ है वो भी अगर आपको देखना है तो नीचे देखिए विस्तृत जानकारी लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर दिख जाएगा कि आपका कहाँ पर अभी लंबित है और कहाँ पर ये आपका फॉर्म अभी रुका हुआ है और कहाँ पर फ्रेंड्स ये वेरीफाई हो चुका है। इस प्रकार से आप बहुत आसानी स्टेप से आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, जिसमें कि आप राशन कार्ड की पर्ची निकाल सकते हैं 2021 यानी और 22-23 के, तो आप अगर मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो OTP से इस प्रकार से भी स्लिप निकाल सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड जिनके मोबाइल नंबर नहीं है, 2022 से पहले राशन कार्ड हैं, उनकी पर्ची अगर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिना OTP के कैसे निकाल सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। जाइए इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में।